सीएम की रेस मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए भी पहेली बनी हुई है। कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, इस पर मंथन जारी है। सीएम फेस के दावेदार अपने अपने तरीके से दावेदारी ठोक रहे हैं। कोई दिल्ली में डेरा जमाए बैठा है तो कोई इशारों में आलाकमान तक संदेश पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री पर माथापच्ची जारी है। बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा ये अब तक तय नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली में डटे हैं। सवाल सिर्फ एक ही है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान इस पद पर बने रहेंगे या फिर कोई नया व्यक्ति इस कुर्सी को संभालेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज जीत कर आए हैं, जिनके नाम की चर्चा नए मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही है। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम रेस में हैं। इन दावेदारों में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने न सिर्फ लोकसभा की सदस्यता छोड़ी है बल्कि केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश में चेहरा बदले जाने की अटकलें जोर पकड़ चुकी हैं। सभी दावेदार अपने अपने तरीके से दावेदारी ठोक रहे हैं। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर उन्हें बॉस लिखा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम पद के दावेदार वीडी शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। सियासी घटनाक्रम के बीच एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए। इस तस्वीर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी सीएम रेस में शामिल प्रहलाद पटेल का मुंह मीठा कराते दिख रहे हैं। लेकिन इन सबसे दूर जीत के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना काम करने में जुटे हैं। वो मध्य प्रदेश के शिवपुर में लाडली बहना योजना के जरिए ग्राउंड पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इस योजना को मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस शानदार जीत में अहम रोल माना जा रहा है। लेकिन सीएम पद के एक और दावेदार कैलाश विजयवर्गीय ने इसे सिरे से नकार दिया। यानी दावेदारी सिर्फ तस्वीरों में ही नहीं बल्कि जुबानी जमा खर्च के जरिए भी संदेश देने की कोशिश हो रही है। हालांकि बाद में कैलाश विजयवर्गीय अपनी बात से पलट गए और कहा कि हम सब शिवराज सिंह चौहान के पीछे मिलकर एनडीए को 29 सीट दिलाएंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जनप्रिय नेता के तौर पर गिने जाते हैं। वो पहले ही खुद को इस रेस से बाहर बता चुके हैं, लेकिन उनके पास 16 वर्ष तक सरकार चलाने का अनुभव है। दूसरे दावेदार भी पार्टी का फैसला मानने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यही चेहरे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती है। बीजेपी के सरप्राइज पॉलिसी के तहत दाव किसके हाथ लगेगा, इसके लिए फिलहाल विधायक दल की बैठक का इंतजार करना होगा। टीम न्यूज़ स्टेशन।